हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम द लेक इजल ऑफ इनिसफ्री। तो ये इनिसफ्री क्या है? एक लैंड है जहाँ पे क्या है, जो पोइट है वो जाना चाहता है। तो पोइट बात करता है इसी इनिसफ्री लैंड के बारे में। इन द पोइट टॉक्स अबाउट वेरियस थिंग्स, कई चीजों के बारे में बात करता है। फर्स्टली ही वॉन्ट्स टू गो इनिसफ्री। इनिसफ्री मैंने आपको बताया कि एक लैंड है, वहां पे ये क्या करना चाहता है, एक कैबिन बनाना चाहता है। फर्दर ही डिस्क्राइब द कैबिन एज स्मॉल एंड ए सिंपल वन शॉट ऑफ रस्टिक एज पर द पोइट्स डिस्क्रिप्शन। मतलब कि वो इतना कैबिन छोटा है जितनी कि इसकी ये डिस्क्रिप्शन छोटी है। द पोइट ऑल्सो डिसाइड हाउ ही विल हैव ए बीन गार्डन इन हिज विक्टिनिटी एंड दैट ही विल ऑल्सो हैव ए बी हाइव। बी हाइव का मतलब हो गया छत्ता, और बीन का मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं दाने वाली फलियां, या कुछ गार्डन लगाना चाहता है जिसके बीच में बीन गार्डन हो, मतलब कुछ खाने की चीजें होगी। ठीक है। व्हाइल डिस्क्राइबिंग इट्स एक्सप्रेशन सेज हाउ ही वांट्स हिज लिटिल कॉटेज इन द फॉरेस्ट सराउंडेड बाय द हनी बीज। और उसके एक्सप्रेशन से ये दिखाई देता है कि वो कैसी जिंदगी चाहता है, एक छोटा सा कॉटेज चाहता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर हो और सराउंडेड हो, मतलब चारों ओर से घिरा हो किसके द्वारा, हनी बीज के द्वारा। अलोंग विद दैट ही एक्सप्रेसेस हिज वांट ऑफ लिविंग अलोन, और वो अकेला रहना चाहता है। ही वांट्स इट बिकॉज ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ इन पीस, शांति से रहना चाहता है, एंड प्योरिटी के साथ, स्वच्छता के साथ रहना चाहता है। इन एडिशन ही वांट्स टू लिव द कंट्री लाइफ टू गेट अवे फ्रॉम द फास्ट लाइफ, रादर लिव ए स्लोअर बट पीसफुल लाइफ। कहता है कि जो भी मेरी ये फास्ट जिंदगी चल रही है, मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। चाहे मेरी जिंदगी स्लो चले बट मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई भी दुख तकलीफ है शोर शराबा पसंद नहीं है। ठीक है। इन द पोएम ही टॉक्स अबाउट वेरियस थिंग्स, कई चीजों के बारे में डिटेल पे बात करता है, जैसे कि हिडन नुक्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, और कुछ छिपी हुई बातों के बारे में, और सिंगिंग क्रिकेट्स, सिंगिंग के बारे में, गाने के बारे में, और खेलने के बारे में। ओवरऑल द पोएम शोज ए लिवली फ्लो ऑफ हिज इमेजिनेशन। तो ये सारी की सारी उसकी इमेजिनेशन के ऊपर है। तो इन द एंड पोइट रिवील द इमेज ऑफ फैंटेसी। तो ये सारी चीजें उसकी क्या है, एक कल्पना होती है, जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। इनडीड ड्रीम लाइक, और जैसा कि उसको सपने में लग रहा है, बिकॉज ही स्टैंड्स एट ए प्लेस, ऐसी जगह पे वो खड़ा है विच इज टोटली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही ट्रूली ड्रीम्स ऑफ। जैसा कि वो सपने में सोचता है वैसे उसका पूरा उल्टा, वहां पे वो खड़ा हुआ है आज के दिन, वो वहां पे है। उसके बाद में जैसे कि ये इंग्लिश के अंदर कंप्लीट अब इन्होंने अलग से दी हुई है, तो वो समरी अगर आप देखना चाहो तो वो ही देख लेना। बाकी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है। क्योंकि शॉर्ट में अगर आप सुन लेते हैं तो आपको आसानी से पता लग जाएगा जो पॉइंट है वो क्या सोच रहा है। पॉइंट इनके बीच में 12 लाइनों की पॉइंट है। ठीक है। आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऐसे लैंड के बारे में बात कर रहा है जो कि चारों ओर से किससे ढकाओ, हनी बी से, मधुमक्खियों से घिराओ। ठीक है। इसके बीच में इसका एक छोटा सा कैबिन हो। ठीक है। यहाँ पे इसका कैबिन हो, और वो कहता है कि रात का दृश्य में यहाँ पे तारे निकलते हुए दिखाई देंगे, शाम के समय ढलता हुआ सूरज दिखाई देगा, उसके अलावा जो वहां की शांति है वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बातें यही कर रहा है वो, मतलब कि जो उसकी फास्ट लाइफ है, जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह पे ना रह के वो स्लोअर लाइफ जीना पसंद करेगा, आसानी से चलती हो। इसके अलावा वो यहाँ पे बीन गार्डन उगाना चाहता है, जिसमें हम कह सकते हैं खाने पीने की चीजें, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाने की चीजें भी तो जरूरी है। तो स्लोअर हो बट उसको क्या है, शांति पसंद है और अकेला रहना पसंद है। इसमें आप देखोगे तो जो पोइट है ना वो अकेला रहना पसंद करता है, इसीलिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में कल्पना करता है ताकि उसको शांति मिल सके। या तो वो कहीं से टूटा हुआ दिल लेके अपना बैठा है तो वो ऐसी चीजें सोचता है, क्योंकि पोइट जो है हमेशा अपनी पोइट्री के अंदर वही चीजें एक्सप्रेस करता है जो उसके साथ उस समय की कंडीशन होती है। तो इस समय की जो कंडीशन होगी, मे बी इसका हार्ट ब्रेक हुआ होगा या इसका रिलेशनशिप टूटा होगा, तभी ऐसी पोइम्स लिखता होता है। तो आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।